बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐशवाइस के तमाम सामेईन को हलूस और प्यार भरा सलाम। आज के मौजू पर बात करने से पहले सबसे पहले मैं अपने नाज़रीन से गुजारिश करती हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर एक दफ़ा दरूद शरीफ पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। मेरा आज का मौजू है हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का इंतकाल। आज के मौजू पर बात करने से पहले हम अपने नाज़रीन से गुजारिश करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। मेरा आज का मौजू है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल कैसे हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत खराब हुई तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ गए। फरमाया, या रसूल अल्लाह, मौत का फरिश्ता दरवाजे पर है, अंदर आने की इजाजत चाहता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आ जाए। वो अंदर आए, कहा, अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह, मैंने आज तक किसी को सलाम पेश नहीं किया, अब पहली हस्ती हैं जिसे सलाम पेश कर रहा हूँ। कितनी अजीम हस्ती हैं जिन्हें मौत भी पूछकर अंदर आ रही है। कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने कहा है पूछ के अंदर जाना, बिन पूछे ना जाना। या रसूल अल्लाह, मुझे हुक्म है कि आपसे पूछ लूं, आप जाना चाहें तो मैं ले जाऊं, रहना चाहें तो मैं छोड़ के चला जाऊं। सुभान अल्लाह, मौत पूछ रही है कि मैं आऊं या ना आऊं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं कहूं तो मेरी जान निकाल लोगे? कहा कि हाँ निकाल लूंगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखा, क्या कहते हो? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपसे मुलाकात के शौक में है। मेरे भाई और बहनों, ऐसी मौत मांगो अल्लाह से जब जा रहे हूँ तो अल्लाह खुश हो रहा हो, ऐसी मौत ना हो जैसा भागा हुआ मुजरम जाता है। जब साद बिन माज़ का इंतकाल हुआ तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज अल्लाह का अरश खुशी से झूम रहा है, चूंकि वहां तो जा रहे हैं, निकलना यहां से है, वहां खुशी है, यहाँ गम है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज मेरे अल्लाह का अरश साद के पहुंचने से खुशी से झूम उठा है। मेरे भाइयों, इस धोखे के घर, इस मच्छर के पर, इस मकड़ी के जाले, इस दुखों के घर, गमों की दुनिया में क्या ढूंढते हो? जाओ अल्लाह को ढूंढो। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का हजरत अबू बकर सिद्दीक को पता चला, वो भागे हुए आए, आके चादर हटाई, माथा चूमा, आंसू के कतरे माथे पर गिरे, कहने लगे, हाय मेरा खलील, मेरे नबी, मेरा जिगर मुझसे जुदा हो गया। मजमा भरा हुआ था, उम्र तलवार लहरा रहे हैं, कोई ना बोले अल्लाह के नबी फोत हो गए, जो बोलेगा मैं इसका सर उड़ा दूंगा। ये कैसी मोहब्बत है कि दोनों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में जाके सो गए। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें सहाबा इकराम के नक्शे कदम पर और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर सही मानो।